जैसे कि BGMI गेम वापस आ चुकी है, तो मेरे पास BGMI से रिलेटेड एक बहुत बड़ा ड्रॉप बॉक्स है। इसके अंदर बहुत सारे BGMI से रिलेटेड गैजेट्स भी है और BGMI से रिलेटेड बहुत सारे बैटरी ऑपरेटेड गन्स भी है। वो भी आज अनबॉक्स करके मैं टेस्ट करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये AWM गन है। आपको पता होगा AWM कितनी ज्यादा खतरनाक गन होती है BGMI गेम के अंदर। और ये वाली है M4 ऑटोमेटिक गन। ये बैटरी से चलती है गाइस, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक चलती है। तो मेरे पास एक और कमाल की गन है, इसको बोलते हैं स्कार L। मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट गन है BGMI के अंदर। आपकी कौन सी गन है गाइस, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ये भी कंप्लीटली बैटरी ऑपरेटेड ऑटोमेटिक गन है। आज इसको भी तगड़े तरीके से टेस्ट करेंगे। तो गाइस फटाफट से बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं BGMI से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले BGMI के ड्रॉप बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें मेरे को मिली है। यहाँ पे सबसे ऊपर मिली है मशीट, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, पर ये प्लास्टिक की बनी हुई है गाइस, इससे कोई भी खतरा वतरा नहीं है। तो और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ओ भाई साहब, इसके अंदर तो दो दो ड्रॉप बॉक्सेस है यार। ये देख लो, यहाँ पे तो PUBG बोल के लिखा यार, इन लोगों ने अभी तक नाम चेंज नहीं किया है। इसके साथ बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एक काम करते हैं, पहले इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो निकाल लेते हैं, उसके बाद सभी को अनबॉक्स करेंगे। यहाँ पे एक और ड्रॉप बॉक्स है, ये ड्रॉप बॉक्स मेरे को बहुत ज्यादा सीक्रेट लग रहा है यार। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है हम लोगों को। और ये BGMI का एक और बैग भी मिला यार, ये तो पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है गाइस। पता नहीं इसके अंदर क्या चीजें दी गई है, मेरे को लग रहा है BGMI का Level 3 वाला बैग है। बिल्ड क्वालिटी तो इसकी बहुत ज्यादा सॉलिड लग रही है। तो सबसे पहले ये ड्रॉप बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें दी गई है आखिर। इसको मैंने Amazon से खरीदा था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर ये एक गन दी गई है, पिस्टल लग रही है यार मेरे को। BGMI में इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और ये एक पैन मिला है, वो भी गोल्डन पैन है गाइस। Level 3 का तगड़ा वाला हेलमेट भी मिला है मेरे को इसके साथ। यार मेरे सर पे तो ये आराम से आ जाएगा। और देखते हैं क्या चीजें हैं। ओ माय गॉड, इतनी ढेर सारी चीजें मिली है। यहाँ पे एक फेक नाइफ भी मिली है इसके साथ। और देखो यार, निशाना वशाना लगाने के लिए एक इस तरह का बोर्ड भी दिया गया है। यहाँ पर है एक कैन, इसके अंदर वाटर बुलेट्स डालने पड़ते हैं। इसका साइज थोड़ा सा छोटा मेरे को लग रहा है। यहाँ पर थोड़े से बुलेट्स भी दिए गए, ये प्लास्टिक के बुलेट्स है। और एक छोटा सा पैन भी दिया गया है इसके ऊपर निशाना वगैरह लगाने के लिए। यहाँ पर है सेफ्टी ग्लासेस, ये चीज मेरे को काफी बढ़िया लगती है यार। अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी ग्लासेस भी दिए गए। ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे लग जाएगा, यहाँ पर हम लोग निशाना वगैरह लगा सकते हैं। एक स्कोप भी मिला है मेरे को, ये स्कोप शायद पिस्टल वाली गन पे लग जाएगा। ये फोम बुलेट्स भी मिले हैं मेरे को। ये वाले ड्रॉप बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं गाइस, देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें दी गई है। ये मैंने इसको खोल दिया है। ओ माय गॉड, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल ये सारी चीजों को मैं रखता हूं साइड में। अब देखते हैं यार यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है। ये एक एनर्जी ड्रिंक भी मिला है मेरे को, और सेम वैसी एक पिस्टल दी गई है। ये ग्रेनेड भी मिला है मेरे को। ओ माय गॉड, बिल्कुल BGMI जैसा ग्रेनेड ही लग रहा है, अगर फेंक दूंगा तो फट जाएगा गाइस। छोटी सी मेड किट भी मिली है मेरे को, और ये फ्यूल कैन है, सेफ्टी ग्लासेस है, स्मोक ग्रेनेड भी दिया गया है यार। ओ माय गॉड, यहाँ पे एक और फेक नाइफ मिलती है इसके साथ। तो अब ये Level 3 वाले बैग के अंदर देखते हैं यार क्या है आखिर। यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ओ माय गॉड गाइस, के अंदर देखो यार क्या ही खतरनाक वाली चीज मिली है मेरे को। अंदर की तरफ देखो, अच्छी कुशनिंग भी दी गई है, तो मेरी आंखों पर बुलेट्स वगैरह ना लगे। तो मैं इसको पहन लेता हूँ गाइस। ओके गाइस, अब AWM को अनबॉक्स करते हैं। ये AWM को शायद मैंने 700-800 रुपए में खरीदा था यार, लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बहुत सारे अटैचमेंट्स इसके साथ दिए गए हैं। तो इसके अंदर एक फ्यूल कैन मिला है, इसके अंदर बहुत सारे वाटर बुलेट्स हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला स्कोप दिया गया, एक सप्रेसर है, यहाँ पर इसकी मैगजीन है, यहाँ पर ट्राइपॉड है। चलो अभी गन को निकालते हैं यहाँ से। बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है, दिखने में थोड़ी सी छोटी मेरे को लग रही है गाइस। मेरे पास एक और AWM भी है, वो इससे ज्यादा बड़े साइज की है। सबसे पहले स्कोप को लगाएंगे गाइस, स्कोप का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है यार, तो ये शायद यहाँ से बैठ जाएगा। ओ माय गॉड, अब देखो यार क्या ही खतरनाक सी दिखाई दे रही है AWM। ये सप्रेसर, ओहो अब इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। मेरे को लग रहा था कि ये छोटी है। अब इसका ट्राइपॉड लगाते हैं गाइस, यहाँ पर लगाते हैं इस तरफ से। ये देखो मैगजीन भी लग चुकी है, लग रही ना गाइस अब एकदम रियल वाली AWM। स्नाइपर को टेस्ट करके देखते हैं गाइस। यहाँ से मैंने इसको लोड कर दिया है यार, इसकी फायर पावर काफी ज्यादा है, 2-3 बुलेट्स में ही देखो। और यहाँ पे सारे के सारे ग्लासेस ढेर हो चुके हैं, पर इसके अंदर मेरे को एक दिक्कत लग रही है गाइस, इसको बार बार इस तरह से लोड करना पड़ता है और ये बार बार जैम भी हो रही थी।
ये लो यार, अब ये स्कारल को अनबॉक्स करते हैं। ये स्कारल दो अलग अलग कलर्स में मिलती है, ये एक कलर है, ये एक कलर है। तो गाइस फटाफट से इसको निकालते हैं, अभी निकाल के इसके भी सारे पार्ट्स जोड़ेंगे, उसके बाद इसको मैं टेस्ट भी आपको करके बताने वाला हूँ। क्योंकि ये एक फुली ऑटोमेटिक गन है तो इसको चलाने में एकदम अलग लेवल का मजा आता है। यहाँ पे भी इसके अंदर बहुत सारे अटैचमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको गन निकाल के दिखा देता हूँ। ये रही हमारी गन, कलर वगैरह बहुत ज्यादा सॉलिड है और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो यार क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा मजबूत प्लास्टिक से इसको बनाया गया है। तो ये है इसका स्टैक। यहाँ पे लगानी पड़ती है हम लोगों को बैटरी, आरसी कार वाली बैटरी इसके अंदर आ जाती है। इसको मैं यहाँ से ऐसे जोड़ दूंगा। इससे पहले मैं आपको इसके क्या क्या पार्ट है ये दिखा देता हूँ। ये इसकी मैगजीन है, इसके अंदर 500 वाटर बुलेट्स तक आ सकते हैं। इस मैगजीन का साइज देखो काफी ज्यादा बड़ा है। सामने की तरफ ये इसका नोजल एक दिया गया है, यहाँ पर है इसके साथ स्कोप, स्कोप भी ठीक ठाक मेरे को लग रहा है। इसके अंदर यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच भी मिल जाता है, सामने की तरफ से लेजर लाइट भी इसके अंदर से निकलती है और इसके साथ भी ये सेफ्टी ग्लासेस मिल जाते हैं। अब इसके सारे अटैचमेंट्स मैंने जोड़ दिए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल BGMI गन जैसे ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसका ट्रिगर है। तो गाइस ये जो गन है मेरे को बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है यार, इसका नोजल भी काफी ज्यादा बड़े साइज का दिया गया है। कारल को टेस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं कितने फास्ट तरीके से फायर कर सकती है। ओ भाई इसकी स्पीड तो बड़ी खतरनाक है यार। यहाँ पे अभी मैं आपको स्लो मोशन में भी बता देता हूँ, इसके बुलेट जैसे ही लग रहे हैं यार, देखो कैसे चकनाचूर हुए जा रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से मैं कैमरा के ऊपर फायर करके बता रहा हूँ यार, देखते ही इसने तो पूरी की पूरी मैगजीन खत्म कर दी है। अभी स्कारल की फायर पावर टेस्ट करेंगे इन ग्लासेस के ऊपर, देखते हैं गाइस ये ग्लासेस गिरते हैं या नहीं। ओ माय गॉड यहाँ पे तो बुलेट तक नजर नहीं आ रहे यार, ये इतनी फास्ट तरीके से फायर कर सकती है। इसका वर्किंग मैकेनिज्म आप देख सकते हो, बैटरी ऑपरेटेड होने के कारण जस्ट हम लोगों को इसका ट्रिगर पकड़ के रखना होता है, बाकी काम ये गन कर देती है। ये देखो मैगजीन वापस से खाली हो चुकी है यार। ये रही M4, बॉक्स के ऊपर तो M16 बोल के दिया गया है पर मेरे को ये पूरी तरीके से M4 BGMI की गन ही लग रही है। फटाफट से इसको मैं यहाँ से अनबॉक्स करके बता देता हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस। यहाँ पर है इसका एक बहुत बड़ा कंटेनर, इसके अंदर दिए गए हैं इसके बहुत बड़े साइज के बुलेट्स। तो ये निकाल लेते हैं, यहाँ ट्रांसपेरेंट है पूरी तरीके से, दिखने में क्रिस्टल बॉल जैसे दिखाई देते हैं, पर इसको आप जैसे ही ऐसे प्रेस करोगे ना गाइस ये ऐसे फट भी जाएंगे, बिल्कुल भी चोट वगैरह नहीं लगती है इनसे। अभी यहाँ से गन को निकाल लेते हैं हम लोग। क्वालिटी इसकी भी काफी ज्यादा सॉलिड है। और ये रहा इसका स्टैक, के साथ ज्यादा अटैचमेंट्स नहीं दिए गए यार। यहाँ पर है इसका स्कोप, स्कोप भी इसके साथ थोड़ा सा छोटा दिया गया है ऊपर की तरफ। यहाँ पर हम लोगों को बुलेट्स डालने पड़ते हैं, इसके अंदर तकरीबन 150 से 200 तक के बुलेट्स आ जाते हैं। तो इसकी बैटरी यहाँ पे लग जाएगी मैगजीन के अंदर। अब हमारी जो M4 है पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है गाइस। अब M4 की फायर पावर टेस्ट करके देखते हैं गाइस इन ग्लासेस के ऊपर। इसकी स्पीड स्कारल के मुकाबले में थोड़ी सी कम मेरे को लग रही है, बाकी इसके जो बुलेट्स हैं स्कारल से भी ज्यादा बड़े साइज के। ये गन को कांस्टेंट स्पीड पे चलाने के लिए इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। बाकी यहाँ पे देखो यार इसके भी बुलेट्स जैसे ही किसी के ऊपर लगते हैं तो यार वो फट जाते हैं पूरी तरीके से। ये मेरे पास एक बहुत बड़े साइज की गन भी है, दिखने में थोड़ी बहुत नर्फ के गन जैसी दिखाई देती है। तो फटाफट से चलो इसको यहाँ से मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। सच में यार इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। ये है इसके फोम बुलेट्स, इसके अंदर 40 फोम बुलेट्स मिल जाते हैं। ये गन के अंदर भी मैंने सारे के सारे अटैचमेंट्स लगा दिए हैं। यहाँ पे इसका बैरल है, 20 फोम बुलेट्स तक आराम से आ जाएंगी। ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा स्कोप भी दिया गया है। अब ये बड़ी सी पावरफुल मशीन गन को टेस्ट करके देखते हैं गाइस। बुलेट्स वगैरह मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं। ओह माय गॉड इसने तो यार 2-3 बुलेट्स में ही सारे के सारे ग्लासेस को ढेर करके रख दिया है। इसकी फायर पावर बहुत ज्यादा दी गई यार दूसरी गन्स के मुकाबले में, और इसकी एमिंग भी मेरे को काफी ज्यादा तगड़ी लगी। ये देखो यार एक बुलेट में ही सारे के सारे ग्लासेस यहाँ पे ढेर हो चुके हैं। इसके बुलेट्स इतनी जोर से फायर करते हैं कि देखो यार वापस मेरे को ही आके लग रहे हैं, और इससे थोड़ी सी चोट भी मेरे को लग रही थी गाइस। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट गन कौन सी है। आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है अर्णव यादव, आकाश, आदित्य पासवान, अथर्व, आशुतोष, हुद अहमद, मोनू, जीवन, विकास, साई चरण। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।